dear students, welcome in chemistry class. Today we start continue chapter number first. Chapter number first है जो बात कर रहे थे पीछे वाले वीडियो में, इसमें मैंने बात की थी मृदा विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में, उसके अर्थ है, मृदा की विशेषताएं और मृदा की कार्य क्या क्या होते हैं. आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है मृदा का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मृदा के अवयव. मृदा जो होती है उसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं. इन क्लासिफिकेशन अपन करेंगे तो मुख्य रूप से जो मृदा के अंदर जो घटक होते हैं वो मुख्य रूप से भौतिक अवस्था के आधार पर अगर बात करें तो मिट्टी के अंदर घटक जो होते हैं या तो ठोस पदार्थ रहेंगे, क्या रहेंगे, ठोस पदार्थ है, या दूसरे अपने पास में जो रहेंगे वो रहेंगे या तो द्रव या गैसीय अवस्था के रूप में जो होते हैं पदार्थ होते हैं. द्रव या गैसीय अवस्था के रूप में जो पदार्थ होते हैं इनको अपन मोस्टली जो होते हैं इनको बोलते हैं रंध्र अवकाश. क्या बोला जाता है, रंध्र अवकाश शब्द से दर्शाया जाता है. इस रंध्र के अंदर वाटर भी होता है और साथ में क्या होता है, इसके अंदर गैस यानी वायु भी पाई जाती है, उसे रंध्र अवकाश के नाम से इसको जानते हैं. ठोस पदार्थ जो होते हैं, ठोस पदार्थों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से दो भाग हैं देखिए, अपन फर्स्ट वाला जो अपने पास में भाग है वो है खनिज पदार्थ. क्या होते हैं, खनिज पदार्थ. खनिज पदार्थ जो होते हैं ये मिट्टी में कितना प्रतिशत उपस्थित होते हैं इनके अपन बात करें. और दूसरा अपने पास में है खनिज पदार्थ के अलावा जो है वो है कार्बनिक पदार्थ. कौन से होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, जिसकी बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थों के बारे में बातें कर रहे हैं. और जो कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से कितने प्रतिशत होते हैं, फर्स्ट अपने पास में देखें तो कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनका कितना परसेंट रहेगा, कार्बनिक पदार्थों में खनिज पदार्थ हैं उनका कितना परसेंट रहेगा, इसके अपन यहाँ पर बात करेंगे. और रंध्रावास जो होते हैं, रंध्रावासों में अगर बात करें तो यहाँ पर भी अपने पास में दो भाग इसके अंदर है. कौन कौन से, यहाँ फर्स्ट वाला अपने पास में है वो द्रव. द्रव पदार्थ जो होते हैं कितने परसेंट होते हैं, द्रव का मतलब होता है जल. ये जलीय जो पदार्थ होते हैं, जलीय अवयव होते हैं वो कितना परसेंट होते हैं जलीय. और दूसरा अपने पास में गैसीय, इसका मतलब गैसीय अवस्था के अंदर जो होते हैं कितने प्रकार के कितने परसेंट पदार्थ हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती है. वो अपने यहाँ पर देखें कितना परसेंट रहेगा. फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं खनिज पदार्थ होते हैं, मोस्टली अगर देखिए तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका 50% कितने होते हैं, 50% ठोस पदार्थ होते हैं. और 50% ही क्या होते हैं अपने पास में रंध्र अवकाश पाए जाते हैं. इसका मतलब है दोनों का बराबर अनुपात होता है, इसका ठोस पदार्थ का और साथ में इसका होता है रंध्र अवकाश या द्रव के गैस अवस्था के अंदर होते हैं. अब इसके अंदर देखिए 50% के अंदर भी जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं, 45% कितने होते हैं, 45% भाग किसका होता है ठोस पदार्थों में खनिज पदार्थों का होता है. बाकी जो अपने पास में बच गए उतना 5% जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं. ऐसे इसमें क्लासिफिकेशन पर देखें द्रव या जलीय अवस्था जो होती है ये लगभग 25% भाग कवर करती है किसके अंदर, रंध्र अवकाश के अंदर. और सेम जो बच गया अपने पास में 25% भाग के अंदर गैसीय पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें अपन गैसों के बारे में स्टडी आगे करेंगे. तो मोस्टली अपन ने देखा मृदा के जो अवयव होते हैं दो भागों में डिवाइडेशन है, फर्स्ट वाला कौन सा ठोस पदार्थ और दूसरे वाला पार्ट कौन सा अपने पास में रंध्र अवकाश. ठोस पदार्थों को क्लासिफाइड करें तो खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है. और रंध्र अवकाशों की अगर अपन बात करें तो ये द्रव जलीय अर्थात है और गैसीय भागों से मिलकर के बना हुआ है और दोनों का जो अनुपात होता है 50-50% होता है. इसका मतलब मृदा के निर्माण में जो मुख्य अवयव होते हैं वो सभी अवयव हैं वो समान रूप से भाग लेते हैं. सबसे देख अगर बात करें पदार्थों की भागों की तो खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं. आयतनात्मक रूप से अगर बात करें तो खनिज पदार्थ सबसे अधिक होते हैं, कितने होते हैं स्टूडेंट्स 45%. और उसके बाद बात करें तो द्रव और गैसीय जो पदार्थ होते हैं वो उनका सेकंड नंबर आता है. और सबसे कम जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं. अब अपन बात करने वाले हैं कार्बनिक जो पदार्थ हैं, खनिज जो पदार्थ हैं वो किस प्रकार से मृदा की निर्माण करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं, इसके बारे में एक एक को विस्तार से पढ़ने वाले हैं. खनिज पदार्थों का क्या इंपोर्टेंस होता है, कार्बनिक पदार्थों में कितना होता है जलीय पदार्थों में और गैसीय पदार्थों में कितना होता है, इसको अपने स्टेप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डायग्राम बनाकर इसको रिप्रेजेंट करें.
तो आयतनात्मक रूप से जो होते हैं एक मिट्टी के अंदर 100% अगर एक मिट्टी अपने पास में है उसमें खनिज जो पदार्थ होंगे वो कितना परसेंट रहेंगे वो अपने को देखना है। लगभग 45% जो भाग होता है इसका होता है खनिज पदार्थों का इसके अंदर पाया जाता है। ये कितने होते हैं 45% होते हैं। बाकी जो 5% आपके पास में है वो 5% कौन सा होता है कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा 50% भाग में देखें तो यहाँ पर 25% जो अपने पास में है वो कौन है जलीय अवस्था के अंदर पदार्थ है वो जल वगैरह पाए जाते हैं। और बाकी 25% भाग में क्या पाए जाते हैं इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें वायुमंडल की गैसें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो आयतनात्मक रूप से अगर बात करें तो ये आयतनात्मक रूप से अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये अपने पास में इसका मृदा के अवयव जो घटक होते हैं उनके बारे में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली अपन ने देखा कि मृदा के जो अवयव होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं तो यहाँ पर अपन देखें चार घटक है। कितने घटक है चार घटक मुख्य रूप से ये मृदा के अंदर पाए जाते हैं। तो आपसे सवाल अगर यहाँ पर बनते हैं कि मृदा के कितने अवयव होते हैं मृदा के कितने अवयव होते हैं तो मृदा के स्टूडेंट्स चार अवयव होते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा अवयव है फर्स्ट वाला अवयव है कौन से वाला खनिज पदार्थ, सेकेंड वाला है कार्बनिक पदार्थ, थर्ड वाला है द्रव या जलीय पदार्थ और फोर्थ वाला कौन सा है गैसीय पदार्थ। चार मुख्य अवयव अपने पास यहाँ पर पाए जाते हैं। ये अपन इसके बारे में देखें और जो चार मुख्य अवयव कौन कौन से हैं कितना है सब क्या कार्य होता है इसके बारे में अपन नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी बातें करने वाले हैं। ठीक आज के लिए आप समझ गए होंगे कि मृदा के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है मृदा का, यहाँ से संरचना अपने को समझ में आएगी कि मृदा में वास्तविक रूप से होता क्या है, मृदा में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सी धातुएं होती हैं, कौन सी अधातुएं होती हैं, ये सभी जो होती वो पाई जाती कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपने नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी बातें करेंगे। ओके थैंक यू।